तो हे गाइस, यूट्यूब के काफ़ी सारे अपडेट आते हैं, जो कि आज मॉर्निंग में कुछ अपडेट आए। तीन अपडेट के बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से अपडेट आए, और इसके बारे में जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप एक यूट्यूब क्रिएटर है तो आपको काफ़ी वहाँ पे नॉलेज मिल सकते हैं कि आपकी यूट्यूब चैनल को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट अपडेट के बारे में, वो कॉमेंट सेक्शन को लेकर है। यानी कि दोस्तों, आप अगर वहाँ पर नीचे कॉमेंट में दो ऑप्शन मिलते थे, रिसेंट कॉमेंट या आपको न्यू प्लेलिस्ट कॉमेंट, इस तरह से आपको देखने को मिलते थे। बट अभी क्या हुआ है कि आप वहाँ पे टाइमलाइन शेयर करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि अपने वीडियो पे आप टाइमलाइन नीचे डालते हैं, तो उस वीडियो पे आपको वहाँ पे पॉइंट नोट करते हैं, तो वो अगर आप वहाँ पे नीचे कमेंट करेंगे तो वो आपकी जो कमेंट है वो ऊपर हाईलाइट कर दी जाएगी, और वहाँ से जाके भी कोई भी लोगों को अगर कोई भी नॉलेज चाहिए या तो वो कोई पॉइंट होता है उसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो वहाँ पर जाके भी आप जो पॉइंट होता है उसे आप वहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, यानी कि दूसरे अपडेट के बारे में, तो यूट्यूब जो होता है उसमें आप काफ़ी अचीवमेंट आप जो होते हैं वो प्राप्त करते हैं, यानी कि अचीवमेंट आप अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, तो यानी कि मान लीजिए कि 1000 सब्सक्राइबर, 100K सब्सक्राइबर, तो तभी आपको क्या करना पड़ता था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको वहाँ पे मिल जाती है, यानी कि मान लीजिए कि 1000 सब्सक्राइबर पे आपको लाइव स्ट्रीमिंग मिलती है, ऑन हो जाती है। उसके बाद अगर आपकी चैनल पे 30K या 10K अप सब्सक्राइबर होते तो आपको वहाँ पे ज्वाइन बटन देखने को मिल जाता है, और 100K सब्सक्राइबर पे आपको वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, तो आपको वहाँ पे वीडियो देख के आपको पता करना पड़ता था कि किस तरह से हम लोगों को 100K सब्सक्राइबर पे क्या चीज़ मिली है। तो आप अभी क्या करना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी यूट्यूब चैनल पे आप अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, यानी कि अचीवमेंट करते हैं, तो आपको वहाँ पे यूट्यूब के थ्रू से ही आपको डैशबोर्ड होता है उसमें आपको अपडेट दिया जाएगा कि आपके इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आपको ये चीज़ें जो होती है वो आपको वहाँ पे मिल चुकी है, आप इसे इनेबल करना चाहते हैं इनेबल भी कर सकते हैं, और आपके 100K सब्सक्राइबर पे जो सिल्वर प्ले बटन आता है वो भी वहाँ पे आप अच्छी तरीके से अचीवमेंट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में दोस्तों, आपकी चैनल अगर 2017 से पहले है और आपने अपने यूट्यूब चैनल पर अनलिस्टेड वीडियो डाला हुआ है, तो सबसे पहले तो आपका जो वीडियो है वो YouTube प्राइवेट कर देगा या तो वहाँ से डिलीट हो जाएगा अगर आपने 2017 से पहले अनलिस्टेड वीडियो डाला हुआ है। उससे क्या होता है कि अनलिस्टेड वीडियो के आप लिंक जिसको भी शेयर करते हैं वही दे सकता है, और अगर आपने वहाँ पे अनलिस्टेड वीडियो डाला हुआ है तो आगे एक अपडेट आया था उसमें बताया गया था कि 2017 से पहले अगर आपने वहाँ पे कोई भी अनलिस्टेड वीडियो डाला हुआ है तो उसे आपको डिलीट करना पड़ेगा, या तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको अपने यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो है उसे रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस वीडियो को आपको डिलीट नहीं करना है, आपको एक बार पब्लिश कर देना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि उसे फिर से अनलिस्टेड कर देना है, तो इसी तरह से वो वीडियो भी आपका रह जाएगा और आपका वीडियो डिलीट भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे तीन हमारे YouTube के बेस्ट अपडेट, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पे ऐसे यूट्यूब रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। सो गाइज, नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।